शिवराज सरकार में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त कंप्यूटर बाबा ने विवादित बयान दिया है। स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कंप्यूटर बाबा सीहोर आए थे। उन्होंने दुर्गंध फेलियू जी महाराज को संत मानने से इनकार करते हुए कहा कि वो गृहस्थ थे, संत नहीं थे, लोग उनको संत मानने लगे थे। उनके परिवार का मामला था, इसलिए उन्होंने आत्महत्या की। साधु समाज का शासन प्रशासन का कोई लेना देना नहीं है। कंप्यूटर बाबा ने दिग्विजय सिंह के आरएसएस बयान पर कहा कि दिग्विजय सिंह राजा महाराजा थे, वह जमीनी हकीकत नहीं जानते, उन्हें हंसी ठिठोली करने वाला बताया, कुछ भी बोलते हैं जो पूर्ण गलत है। कंप्यूटर बाबा ने बोला कि हम हिंदू लोग 5000 वर्षों से जुर्म सहते चले आ रहे हैं। अब हमारा भारत हिंदू राज्य हुआ है, हिंदू देश हुआ है, आने वाले समय में पूरी दुनिया हिंदू राष्ट्र के रूप में मानी जाएगी। नहीं ऐसा, वो तो गृहस्थ थे, कोई संत तो थे नहीं, समाज की सेवा करते थे। अब लोग उनको संत कहने लगे तो लोग कुछ भी कहने लगते, एक अलग बात है। परंतु वो घर के परिवार के मामला उन्होंने सुधार में भी लिखा है, उनका परिवार का मामला था, इसलिए जो है उन्होंने आत्महत्या की है। तो उससे साधु समाज को या हमारे शासन प्रशासन को उससे कोई लाभ नहीं। ये दिग्विजय सिंह जी जो आरएसएस को लेके बयान दे रहे हैं कि आरएसएस के ज्यादातर लोग हिंदू आतंकवाद के उसमें पकड़े गए, उसमें आपका क्या कहना है? देखो, दिग्गी राजा राजा महाराजा लोग इस जमीनी हकीकत को जानते हैं और ये कभी भी हंसी ठिठोली टिप्पणी करते रहते हैं, किसी को कुछ तो भी बोलते रहते हैं, जबकि पूर्णतः गलत है। हम हिंदू लोग हैं और हमने 5000 वर्षों से हम बड़ी जुल्म ढाते चले आ रहे हैं और अब कहीं जाके हमारा भारत जो है हिंदू राज हुआ है, हिंदू देश हुआ है, और हम चाहेंगे आने वाले समय में पूरी दुनिया जो है वो हिंदू देश ही होगी। सभी देशों को हम लोग पूरा राष्ट्र जो पूरा दुनिया जो होगी वो हिंदू राष्ट्र के रूप से मानी जाएगी। सीहोर से जावेद जाफरी की रिपोर्ट।